जो करते हैं सब शास्त्र सम्मत ही हैं। हमको समझ में आता नहीं है, कभी कभी हम भूल समझते हैं, लेकिन महत्पुरुष कभी शास्त्र बहिर्भूत कर्म करते नहीं है। शास्त्र वाणी है भगवत वाणी, और महत्पुरुष चलते हैं भगवत कृपाश्रित, और स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र रूप से वो चलते नहीं हैं, भगवान ही उसको चालन करते हैं, उनको गाइडेंस देते हैं। तो हमारे जीवन में भजन मार्ग में चलने के लिए सर्वोत्तम सरलतम पंथा है महत्पुरुष के जीवन आदर्श को अनुशीलन करके, अनुसरण करके हमको आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। यह सरल उपाय नहीं, शास्त्र अध्ययन करके उसको निरूपण करके सही सही मार्ग अवलंबन करके चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। शास्त्र अनंत है, अनंत धारा है, हम जैसे मूर्ख साधक के लिए वहाँ पहुँच कहाँ है, सही सही मार्ग क्या है हमको पता ही नहीं है। तो इसीलिए महाजन जेन गतस्य पंथा, महत्पुरुष के आचरण ही हमारे लिए अनुसरणीय है, अनुकरणीय है, आचरणीय है। बिनु सत्संग ना हरि कथा ते हो बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद हो न दृढ़ अनुराग। संत मुख से हरि कथा, भक्त जीवन चरित, ये सरलतम उपाय है। गोसाई जी अब तो दीक्षा दे रहे हैं गुरु कृपा से, गुरु जैसे आदेश करते हैं उनके आदेश अनुसार दीक्षा दे रहे हैं, साथ साथ भजन शिक्षा देते हैं। उनके जीवन में बड़े अलौकिक अलौकिक सब देखने में आया। एक बार एक पेड़ के वृक्ष के नीचे, आम के वृक्ष के नीचे प्रभुपाद बैठे हैं, तो भक्त लोग देख रहे ऊपर से जैसे बहुत भारी बरसात की धारा जैसे बह रही है। बरसात के समय नहीं, कोई लक्षण नहीं है, और हर जगह गिर रहा है, जहाँ गिरता है वहाँ ऐसे गोंद जैसे चिट 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 करता है वहाँ, और बहुत भ्रमरा गुंजार कर रहा है। तो गोसाई जी से पूछा गया, जो ये क्या है बाबा, ये पेड़ के ऊपर से क्या गिरता है? बोलता है ये महापुरुष जहाँ पर अधिक दिन भजन करते हैं वहाँ से मधुस्खरण होता है, शहद उस वृक्ष से, बोलता है ऐसे होता है, ये अलौकिक है। अगर कोई भगवत प्राप्त किए हुए ऐसे महत्पुरुष अगर कोई वृक्ष के नीचे अधिक दिन भजन करते हैं तो उस वृक्ष से मधुस्खरण होता है। तो सबके आश्चर्य हो गए। तो कुलदानंद ब्रह्मचारी आदि सब थे, उन लोग पत्ते के ऊपर गिरा है, जीभ लगा के देखते हैं पूरा शहद ऐसे। तो गोसाई जी भी कहते हैं हमने एक बार ऐसे एक जगह गए थे, तो वहाँ एक वृक्ष के नीचे आसन लगाए तो वहाँ ऐसे बहुत मधुस्खरण होना शुरू हो गया। बोले कमंडल भर के हम वो पान किए, ऐसे होता है। और एक बार गोसाई जी बैठे थे तो गोसाई जी के चारों ओर मधुमक्खी भनभन 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 भन कर रहे हैं, और शरीर जैसे गोंद जैसे शरीर चिपका हुआ है। कुलदानंद ब्रह्मचारी हाथ लगे दिखते हैं सब जैसे गोंद लगा हुआ है। तो गोसाई जी से पूछे ऐसे क्यों हो रहा है आपको शरीर जैसे कुछ शरीर से निकल रहा है गोंद जैसे? बोलता है नहीं ये शहद है। जो उस स्थिति में पहुंच जाते हैं शरीर से मधुस्खरण होता है, शरीर से मधुस्खरण होता है। ऐसे दिव्य महापुरुष थे, बोलता ऐसे होता है। एक बार बैठे थे कुलदानंद ब्रह्मचारी दूर बैठे हैं,
तो एक नाग सांप आकर के उनके बायां तरफ से आकर के सीधा आकर माथे के ऊपर बैठ गया, फन विस्तार करके। कुलदनंद तो बहुत घबरा गए, ये बाबा को खा ना जाए। फिर बहुत समय बैठे थे, फिर दाहिना तरफ से फिर जाके आस्ते आस्ते करके निकल गए। तो गोसाई जी से पूछा, जी बाबा ये सर्प कैसे आ गया, और दिन में ऐसे नहीं सर्प कुछ दिखता नहीं है, आपके ऊपर चढ़ गया और आप भी चुपचाप बैठे हैं, कोई भय नहीं, कोई संकोच नहीं, आप एकदम शांत होकर बैठे हैं। बोलता है ऐसा होता है, जब वो प्राणायाम करते हैं तो उसमें से एक सांस से एक आवाज़ निकलता है, बहुत मधुर ध्वनि निकलता है, उस ध्वनि सुन करके सर्प आ जाता है। बोलते ये कोई नुकसानकारी नहीं होता है, ये मंगलकारी होता है, ये सर्प कभी किसी को डांसता नहीं है, ऐसा होता है। हमारे गुरुजी भी चंदौरी में एक बार सुबह सुबह धूप में बैठे हैं, एक रतन कुंड है, रतन कुंड नामक स्थान है, धूप ताप रहे हैं, धूप में बैठे हैं गुरुजी, शांत समाहित चित्त, भगवत चिंतन में एक तन्मयता तल्लीनता। तो गुरुजी सुबह थोड़ा सा दूध लेते, दूध और साबूदाना लेते थे, थोड़ा सा पाव भर, बस सारा दिन में वही एक बार, और रात को थोड़ा सा फलाहार इतना ही लेते थे। तो हमारे गुरु भाई लेके गए, देखते हैं एक सर्प आ करके ऐसे कम्बल ओढ़ के बैठे हैं ना, गुरु जी तो कमीज उमीज नहीं पहनते थे, आस्ते आस्ते आ करके मुंह के सामने आया, आ करके भीतर घुस गए, एकदम भीतर घुस गए। पुष बाहर निकला हुआ है, और आ करके हमारे गुरु भाई देख करके तो घबरा गया। आप गुरु जी को बुलाए, अगर मान लो हिल गया, कुछ हो गया, भीतर जाके ना जाने भीतर में ही डस लिया तो कुछ कहानी, चुपचाप दूर जाके देख रहे हैं, वो भीतर में घूम फिर करके आस्ते 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 निकल गए। ऐसे गुरु जी से भी ऐसे सर्प ने ऐसे खेलते थे। एक दिन बैठे थे तपोवन में, बैठे थे ऐसे तो जंगल, और एक माथे के ऊपर डाली था, तमाल तमाल नहीं, एक पीलू के डाली था, पीलू के ऐसे पेड़ था डाली, उसमें एक सर्प एक फन उठा करके माथे के ऊपर ऐसे बैठे चुपचाप। गुरुजी बस चुपचाप, उसमें गुरुजी का आनंद, और जहाँ सबसे खतरनाक जाएगा वहीं जा करके बाबा का भजन करने का इच्छा, वहीं जा करके भजन करेंगे, जहाँ सबसे खतर भूत प्रेत रहते हैं, या तो बहुत सर्प रहता है, बहुत भयंकर स्थान है, जंतु जानवर रहता है, वहीं उनके भजन के लिए उनके अच्छे जगह चुन लेते हैं। हमको एक दिन बोले तो मन में विनोद, हम उस जंगल के भीतर ऐसे जंगल दिखा दिया भाई, वहां कोई मनुष्य घुसना संभव नहीं है, और भयंकर सर्प आदि ये सब जंतु सब वहां जानवर वहां रहता है, वो घुसना मुश्किल है। बोलता है तुम हमारे लिए वहां पर आसन लगा दो। ये कोई बात है भाई, हम तो चिंता में पड़ गए, भाई यहाँ कोई भजन करने का जगह है, फिर क्या करें, गुरुदेव आदेश किया है, तो उतना गहरा जंगल में तो हमने गए नहीं, थोड़ा ही हट करके फिर जंगल में ही उनके लिए पीलू पेड़ के नीचे हमने आसन लगा दिया। बस घर के अंदर बाबा भजन नहीं करते थे, कभी कभी नहीं घर के अंदर, ठीक है, सिर्फ ठंडी मौसम में, वो भी आश्रम में नहीं, अलग झोपड़ी बनाते थे, उस झोपड़ी में बाबा भजन करते थे, झोपड़ी के अंदर, कभी जो दालान है बिल्डिंग है इसमें पसंद नहीं करते थे, उनके लिए अलग ही झोपड़ी बनाया जाता था,
जंगल के पास कहीं जंगल के किनारे कहीं एकांत में इनके लिए अलग झोपड़ी में बाबा भजन कर। तो महापुरुष के एक ही सा आचरण दिखने में आता है। तो गोसाई जी गए हैं कुंभ मेला में और संतों को लेकर के और सब शिष्य हैं। तो कुंभ मेला संबंध में थोड़े से जानने की विषय है, गुरुजी से सब आग्रह किए हैं जो बाबा आप कृपा करके बताइए कुंभ मेला में यहाँ किस लिए आते हैं। यह तो बड़े बड़े संत लोग आते हैं स्नान करने के लिए, क्या ये स्नान उतना जरूरी है? वो तो परम पद प्राप्ति कर चुके हैं, ऐसे ऐसे बड़े बड़े सिद्ध महात्मा, बड़े बड़े गुणातीत लोकातीत इंद्रियातीत ऐसे स्थिति में पहुँचे हुए संत यहाँ आते हैं, उनसे ये स्नान यात्रा जो है इसमें उनको क्या मिलता है और कैसे ये इन लोग क्यों ऐसे सब इकट्ठा समवेत तो होते हैं? तो बोलते हैं देखो ऐसे बात है, ये कुंभ जो है इसका कारण अलग है। यहाँ क्या होता है, बड़े बड़े त्रिकाल दृष्टा ऋषि जो हैं जो कभी निकालते नहीं हैं हिमालय के गहरे गुफा गब्बर में ये लोग तपस्या करते हैं और सब तुरियातीत अवस्था में रहते हैं ऐसे ऐसे संत, लेकिन जन कल्याण के लिए उन लोग ये संगम में आते हैं स्नान करने के लिए, जैसे प्रयाग क्षेत्र हैं, फिर जाकर के नासिक है, उज्जैन है, हरिद्वार हैं, स्नान करने के लिए आते हैं। स्नान उनका उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य है ये मेला में क्या होता है, बहुत सारे संत आते हैं और ऐसे सिद्ध महात्मा भी आते हैं, बड़े बड़े सिद्ध महात्मा, लेकिन रूप बदल करके वेश बदल करके उनको पहचान में आएगा नहीं। उन लोग क्या करते हैं, अच्छा अच्छा जो आधार देखते हैं, देखते हैं जो शुद्ध सात्विक भजन प्रवृत्ति है, ऐसे आधार देख करके उनको शक्ति संचार करती है। उनमें इतना शक्ति नहीं रहती है जिस शक्ति के द्वारा वो साधन करके संसार सागर से पार हो जा सकते हैं और जगत मंगल जगत कल्याण कर सकते हैं, उनके लिए एक्स्ट्रा पावर चाहिए। तो देखते हैं अगर ऐसे शक्ति संचार नहीं करेंगे तो जगत कल्याण होना मुश्किल है, आगे धर्म को बढ़ाने के लिए हम लोग तो एकांत में तपस्या कर रहे हैं, तो और जो नवीन साधक जो हैं तो उनको आगे बढ़ाने के लिए उनके अंदर ही शक्ति संचार करके उनको आगे बढ़ाना चाहिए, जिस शक्ति प्राप्त करके वो साधन मार्ग में बहुत उच्च स्थिति में पहुंच सकते हैं, फिर उनके द्वारा फिर जगत का मंगल हो सकते हैं। ये कारण, और एक कारण है, सब संत में बड़े बड़े संत में मीटिंग होता है, जो धर्म की गति आप किस तरह से किधर चल रही है, आप एक एक दिशा में एक एक जन को नियुक्त करते हैं जो तुम इस दिशा के धर्म रक्षा के लिए तुम अपनी शक्ति प्रयोग करो, अपने धर्म रक्षा के लिए तुम करो, ऐसे बड़े बड़े महापुरुष आपस में ये धर्म आलोचना करते हैं और शक्ति समन्वित करने के लिए अच्छा अच्छा आधार चुनते हैं, फिर जाके उनको शक्ति संचार करते हैं। यह है मूल कुंभ मेला का मूल कारण। फिर बहुत सारे तीर्थ यात्री आते हैं, धामवास करते हैं, एक महीना कल्पवास करते हैं, तो ये संत दर्शन उन लोग तो जाते हैं स्नान करने के लिए, लेकिन स्नान से भी अधिक महत्वपूर्ण है ऐसे संत दर्शन। गंगा तो स्नान करने के पश्चात पवित्र करते हैं, लेकिन संत हम जैसे संत नहीं, जो पहुंचे हुए संत हैं ये दर्शन मात्र से ही पवित्र करने में समर्थ है, उनके अंदर चेतन शक्ति को जगा देती है। तो क्या होता है, विशेष विशेष स्नान के दिन सजावट करके आते हैं साधु संत, रथ सजावट करते हैं, फूल से सजावट करते हैं, हाथी घोड़ा आदि पालकी आदि ये सब सजावट करके माने देखने लायक है। तो बहुत प्रश्न करते हैं ये लोग सजावट करके इस तरह से क्यों आते हैं,
साधु है उनसे क्या लेना देना है ऐसे सजावट का, ऐसे आड़म्बड़ का, बोलते बात ऐसा नहीं है। आजकल के लोग जो है ना, पहले साधु दर्शन में रुचि कम होती है, उनकी रुचि नहीं है, और साधु दर्शन से, साधु कृपा से जो फल मिलता है, गंगा स्नान में उतना फल मिलना संभव नहीं है। फल मिलता है लेकिन एक महत्पुरुष के दर्शन से उसका जो कल्याण होता है, और वो महत्पुरुष को मान लो उसका आशीर्वाद किया, हाथ इतना ऊंचा कर दिया, उसमें उसका परम कल्याण हो सकता है। इतनी इतनी सामर्थ्य महापुरुष कुंभ में जाते हैं ऐसा नहीं, तो क्या होता है सजावट करके जाते हैं। सजावट करने से रात वो सजावट करते हैं तो वो दर्शन के लिए सब इकट्ठा हो जाते हैं, साधु मेला दर्शन करेंगे, साधु संत स्नान करने के लिए जा रहे हो, फलाना खड़ा फलाना खड़ा, कुछ नहीं, वो सब पब्लिक इकट्ठा होते हैं ना, और बड़े बड़े संत हैं ना, उनको आशीर्वाद करते हैं, उनके अंदर एक शक्ति संचार करते हैं अलक्षित रूप में, वो जान भी नहीं पाता है जो हमारा ये कल्याण कर रहे हैं, हमारे कल्याण के लिए इस तरह से मेले में सजावट करके चल रहे हैं। उनको क्या लेना देना है, नंगा तो बैठे हैं और उधर सजावट, राजा महाराजा जैसे नहीं, उस सजावट देखने के लिए आते हैं साधु, उस समय उनको कृपा करते हैं। ये कुंभ मेला में जाते हैं जो स्नान करने के लिए, उनके लिए सबसे विशेष लाभ है ये महत कृपा, महत सेवा, महत कृपा बिना कुछ होना संभव नहीं है। तो ऐसे हमको भी ऐसे बहुत महसूस हुआ है, हम जब पहले गए, बताऊं, हम हरिद्वार में गए एक एक महात्मा को दर्शन करने के लिए, है ना, तो उनको दर्शन किया था, तो जोगी संप्रदाय के शिव उपासक, तो हम जब उनके प्रणाम करके दूर आ गए ना, तो वो तो तखत में बैठे हैं, हम बहुत दूर आ गए, दूर आ करके हम हमारे तरफ टकटकी लगा के दिख रहे हैं, राम भी बड़ा हंस के ऐसे हाथ जोड़ रहे हैं, बाबा ऐसे महसूस हुआ जैसे हमारे भीतर कोई पावर आ करके हमको एकदम जर कर दिया, एकदम दम बंद हो रहा हमारा, जैसे सांस लेना भारी पड़ गया, हम बड़े बड़े सांस ले रहे हैं, जैसे मान लो एक पावर, मैं अपने अनुभव कह रहा हूँ, तो हमने सोचे तो ऐसे ही होगा, कुछ बात नहीं है, लेकिन साधु ने ऐसे हाथ करके हमारे तरफ आशीर्वाद कर रहे थे, 2 घंटा ऐसे रहा हमारे अंदर, 2 घंटा हमारे अंदर वो शक्ति जो है हमने अनुभव किया, ये हमारे अपने अनुभव की हुई बात है 2 घंटा तक, लेकिन है हमने सोचिए तो है सोईबो, हम तो है वैष्णव, लेकिन ना वहाँ सोईबो वैष्णव नहीं है, वहाँ सब जो स्थिति में पहुँच जाते हैं ना वो भगवान का हो जाते हैं, भगवान से उनका तल्लीनता आ जाती है, तो इसीलिए ऐसा नहीं, वहाँ पर कोई सांप्रदायिकता नहीं रहती है, अनुभव किए हैं। हम जब कुंभ में गए, पहले कुंभ में गए आज से 45 साल पहले, हरिद्वार प्रयाग कुंभ में, हमने ऐसे बहुत अनुभव किए बाबा, मैंने एक एक संत को दंडवत करते हैं, और उस समय तो ऐसी स्थिति नहीं थी, ऐसे बड़े बड़े चमक दमक, बड़े बड़े पेंडल, बड़े बड़े राजा महाराजा जैसे बंग बनाते हैं लाखों करोड़ों रुपये, ऐसा नहीं था उस समय, उस समय पड़े रहते थे रेती में पड़े रहते, छोटा सा तम्बू लगा करके, ओए कोई सिद्ध महात्मा, बड़ी त्रिकालदर्शी ऐसे कोई महापुरुष पड़े हैं, कोई पहचानता ही नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, दुनी जाना करके बैठे हैं बाबा। उस समय कुंभ का जो आनंद, माने संत दर्शन करके जो आनंद मिलता था, अभी तो चमक दमक खूब है लेकिन वो आनंद नहीं, एक एक संत के पास जाते हैं प्रणाम, और उस समय नई अवस्था, हमारी भी लालसा है जिस संत कृपा मिल जाए, बड़े आदर के साथ बड़ी श्रद्धा से हम जाके दंडवत प्रणाम करते हैं, किसी संत ने ऐसा हाथ उठा दिया, बाबा मालूम होता है जैसे हाँ हमको कुछ मिल गया, एकदम
पक्का महसूस होता था, एकदम महसूस करा देते थे जे हमको कुछ मिल गया, एक पावर मिल गया प्रैक्टिकली, माने ऐसे नहीं, कल्पना नहीं, एकदम ऐसे हाथ ऊंचा कर दिया एकदम बिल्कुल, माने शरीर में मान लो जैसे एक झटका लग गया ऐसे। तो ये संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ दोए, दारा सुत और लक्ष्मी ये तो पापी के भी होए, ये संत समागम। इसीलिए कुंभ में ये विशेषता है, कुंभ में साधु दर्शन। तो गोसाई जी यदि हाथ ना भी उठाएं या क्रिया कोई ना करें तब भी क्या कृपा अनुभव? ना कृपा अनुभव, कृपा करेंगे तो अनुभव होगा, उनकी कृपा होगी तो अनुभव करोगे, चाहे हाथ उठे या हाथ उठे या ना उठे तो पता चलता है, पता चलता है। वो भी देखते हैं किसका श्रद्धा कितना है, कोई आते हैं ऐसे ही देख के चले जाते हैं तो ऐसा थोड़ी होती है, ऐसे देखते हैं श्रद्धालु जो हैं और ऐसे कोई आधार देखते हैं तो हम लोग कृपा जरूर करते हैं, ऐसे नहीं, श्रद्धा भी पहचान में आ जाती है, श्रद्धा भी पहचान में आ जाता है, उन लोग समझ लेते हैं ऐसे। ऐसा हमको प्रैक्टिकल महसूस हुआ। फिर उसके बाद से हर कुंभ में हम जाते हैं, हमारी लालसा एक ही रहती है कि संत दर्शन, ना जाने कहाँ से क्या मिल जाए, ना जाने किस संत से थोड़ा सा कृपा मिल जाए, एक हमारा नशा हो गया था। फिर उस लालसा लेकर के हम कुंभ जाते थे हर बार। लेकिन पहला कुंभ में हमको जो मिला है ऐसा कोई कुंभ में नहीं मिला। जाते हैं हरिद्वार कुंभ में, वो एक जन का मिला कृपा, वो जो बोला एक जन महापुरुष का कृपा मिल गया, और ऐसा तो फिर जाते हैं। अभी तो हम ही संत हो गए हैं, अभी हमको कौन कृपा करेगा, बड़े को कौन कृपा करता है, छोटे को ही कृपा करते हैं, देते हैं किसको, छोटे को, बड़े देते हैं, जब छोटे रहते हैं तो उनको मिलता है, सब देते हैं, बड़े जो हैं देते हैं, अब बड़ा हो जाता है तो उसको कौन देगा। तो बड़ा होना ही सबसे झंझटिया काम है इस मार्ग में। अगर तुम बड़ा हो गया, संत हो गया, तो मान लो अब तुमको मिलने वाला है नहीं, अब तुमको देना पड़ेगा। ये हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं। नहीं तो वास्तव में दीनहीन होकर के अगर कुंभ में जाओ और निर्विशेष सबको प्रणाम करो, सबको दंडवत करो, ये नहीं देखना जी ये बढ़िया साधु, ये खराब साधु, ये ऐसा है, ना जाने कौन साधु किस स्थिति में कैसे हैं पता ही नहीं चलेगा, है ना, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए विजय कृष्ण गोस्वामी खुद कहे हैं जो कुंभ में ऐसे ऐसे संत आते हैं जो भिखड़ी के अंदर बैठे हैं, बड़े बड़े त्रिकाल दृष्टा ऐसे कोई महत्पुरुष सद्म वेश में रहते हैं, उन लोग तो मान प्रतिष्ठा चाहते नहीं है, उनसे तो लोक व्यवहार से कोई मतलब नहीं है, उनको कल्याण करना है, उनका कृपा करना है, कृपा करने के लिए आते हैं, जो ऐसे पात्र मिलता है उनको कृपा करके चले जाते हैं, लेना ना देना मगन रहना। और जो ऐसे विनम्रता ऐसे दीनता ऐसे हीनता भाव लेकर के जो संत के चरण में जाते हैं श्रद्धा के साथ उनको दंडवत प्रणाम करते हैं, वो कुछ प्राप्त करके ही आता है। और हम जैसे घमंडी चले जाते हैं बड़े साधु बन करके, एक उस मिलने वाला है नहीं, मिलता नहीं है, मिलेगा क्या, मिलेगा तुम दोगे तो, तुम तो अब देने वाले हो गए हो। तो ऐसे कुंभ मेला में गोसाई जी गए, काल फिर चलेंगे गोसाई जी की कुंभ मेला का कुछ कहानी सुनाएंगे। जय जय श्री राधे। हमको ये जो राजमीर दास जी गुरुदेव धनंजय दास काठिया बाबा, ये तो बहुत पहुंचे हुए संत थे ना, इनको भी कृपा मिला, हमको खूब मिला, भरपूर मिला। मिला है वो तो समझ में आता है ना, उस समय बहुत जब कुंभ में गए थे उस समय की बात है। यानी पहले परिचय था।
ना उनसे परिचय नहीं था, परिचय नहीं था, हम तो ऐसे ही गए कुंभ में गए, मन उसमें बैराग आ गया, जो नकरी पकड़ी छोड़ेंगे, भजन करेंगे, तो संत दर्शन करने का ऐसे लालसा, तीव्र लालसा, चलो कुंभ में चलो, आप जानते नहीं है वो रहने का कहाँ ठिकाना नहीं, कुछ नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, कुंभ बहुत बड़ा क्षेत्र है और उसमें हम गृहस्थी जैसे हैं, क्या करें, लेकिन गए मन में तीव्र लालसा लेकर संत दर्शन करेंगे, तो क्या किए हैं, बिस्तरे बिस्तरे बेडिंग फिटिंग, ठंडी मौसम है, बेडिंग फिटिंग लेना तो झमेला है, उतना कौन ढोएगा, जहाँ कहीं से कहीं जाओ, कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, कोई ठिकाना नहीं, इतना पेपर ले लिया, पेपर इतना अच्छा पेपर, पेपर को रेती में बिछा करके उसके ऊपर सो जाते थे, कंबल पंबल नहीं, ठंडे नहीं लगता था ऐसे पेपर ले गया और एक कंबल ले गया, ऐसे चले गए, तो घूमते 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 वो काठिया बाबा का आश्रम में घुस गए, तो वहाँ जाके हमने प्रार्थना की है जो आपके आश्रम में हमको थोड़ा रहने देंगे, बोले खूब रहो यहाँ रहो, तो उस समय उनके सान्निध्य में रहे 15 दिन लगभग रहे, और साधु दर्शन संत दर्शन करते थे उस समय, आज से 45 साल होगा लगभग। कृपा उनकी जाते ही मिली या? नहीं, एक दिन मिला, उनके जाते जब ही बैठते थे प्रणाम करते थे तो एक दिन हमको महसूस हुआ उनकी कृपा पूर्ण रूप से महसूस हुआ, हमको महसूस करा दिए हैं।